फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, मैं हूँ शरद। आप देख रहे हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे जल्दी से अगर सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला घंटी के आइकन को ऑन करके रखिए, जैसे कि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड, आज हम लोग संडे का दिन में चर्चा करने वाले हैं एक शानदार हाई रिटर्न्स देने वाला स्टॉक होनासा कंज्यूमर, जिसको मामा अर्थ के नाम पे जाना जाता है। जल्दी बड़ी रिटर्न देने वाला है ये कंपनी, जो कि आप लोग को मालूम होगा मामा अर्थ का जो हिसाब से चल रहा है कामकाज एंड जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो टारगेट दे रहे फ्रेंड्स आप लोग के सामने, जो कि कोई 800 देता है तो कोई 900 तक का टारगेट दे रहे, बट अभी शेयर उसका आधा से भी नीचे कम कर रहा है शेयर काम। तो फ्रेंड चलते करेंगे पूरी चर्चा, ये वीडियो में टेक्निकल देखेंगे क्या है एंड क्या टारगेट आ सकता है आने वाला कल के लिए एंड इसमें क्या ऐसा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है जो कि शेयर अभी दो दिन से एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल के कर रहा है ट्रेड, जो कि पॉजिटिव सिग्नल में। फ्रेंड्स, आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप मेंबरशिप लेने के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको एंजल वन में एक न्यू डिमांड अकाउंट ओपन करके हमारा लिंक थ्रू आप हमारे साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हो। उधर आपको SIP म्यूचुअल फंड का ले सकते हो, साथ साथ शेयर तो ले सकते हो एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, करेंसी में फाइनेंस कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मल्टीपल सब चीज़ मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड साथ साथ आप बोलोगे सर हम एंजल वन ऑलरेडी मेरा पास है, तो आप लोग के लिए और एक फैसिलिटी है फ्रेंड्स, जो कि ऑपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हो, जो कि व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट थ्रू। एंड उसमें आपको क्या मिलता है ना, उसमें आपको मिलता है पर डे बेसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक के सेंसेस का सब ऑप्शन कॉल मिलता है एंड स्टॉक ऑप्शन कॉल भी मिलता है पर डे बेसिस में फ्रेंड्स। तो पर डे बेसिस में अगर इनकम करना चाहते हो एक ऑप्शन ट्रेडर बनकर, तो हमारे साथ में लर्निंग के साथ अर्निंग करना मत भूलिए। आप तो देखे होंगे खूबसूरत हीरोइन, इनका नाम को कौन ना जाने। तो फ्रेंड्स, इनका आड़ आता होगा मामा अर्थ का, आप टीवी में देखते होंगे। तो फ्रेंड्स, इनका जो कारोबार चल रहा है मामा अर्थ कारोबार बहुत शानदार चल रहा है एंड साथ ही साथ आज का दिन में जो न्यूज आया है आप लोग को मालूम होगा, गवर्नमेंट ने ओनियन के ऊपर क्या किए, एक्सपोर्ट बैन कर दिए। तो एक्सपोर्ट बैन करने के बाद ओनियन क्या होगा ना, हमारा इंडियन मार्केट में प्रचुर परिमाण में हो जाएगा, इंडियन मार्केट में प्रचुर परिमाण में ओनियन हो जाएगा तो क्या होगा, मामा अर्थ का बिजनेस ओनियन पे भी रहता है, जो कि शैम्पू वगैरह में बनाते हैं आप लोगों को मालूम रहेगा। तो शैम्पू में जो ओनियन अभी का जो 70-80 रुपये का टारगेट में पर केजी चल रहा है, तो वो हिसाब से वो इनका तो महंगा पड़ता होगा, अभी उनको चीपेस्ट दाम में मिलेगा जब इनका भी रॉ मटेरियल चीप हो जाएगा एंड उनका जो प्रोडक्ट तो एक बार कोई बना देता है 100 रुपया, वो कभी भी उसका रॉ मटेरियल कम होने के बाद वो 90 रुपया नहीं करता है, उसके आगे 110 रुपया करता है, 90 रुपया तो कभी किया नहीं आज तक आप देखे होंगे। तो फ्रेंड टेक्निकल में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख सकते हो मामा अर्थ का IPO स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू गेना बाय हाई लगाया, जो कि 400 का ऊपर का हाई मारने का, 450 का आसपास का हाई मारने के बाद कंटिन्यूस गिरावट आया एंड गिरावट के साथ ये गिरावट क्यों आया था ना, इसमें जो 61 लाख का जो सेल हुआ था, जो कि फायर साइड समथिंग कुछ एक उनका इन्वेस्टर, ये सेल करने के बाद कंटिन्यू गिरावट आया, गिरावट के बाद संभला मार्केट एंड ये मार्केट में अभी चल रहा है तेज़ी का माहौल एंड ये तेज़ी माहौल कभी तक रहेगा जब भी तक ये 400 का ऊपर क्लोज देकर 400 का ऊपर अगर टिक जाएगा फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा फिर ये न्यू हाई मारने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि इसका जो अभी तक का जो टारगेट था न्यू हाई 400 का ऊपर, ये 410 को तोड़ने का बाद अभी ये 450 का तक जा सकता है खूब शॉर्ट टर्म में एंड ये स्टॉक मुझे लग रहा है आगे चल के हाई वोलेटिलिटी रहेगा एंड हाई रिटर्न्स हाई रिस्क भी हो सकता है, अगर आपका पास रहेगा तो आप वो हिसाब से सजग हो जाइए फ्रेंड। ये कोई टेक्निकल मैं जो बता रहा हूँ ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पज ना, आपको बाइंग सेलिंग कोई भी कुछ करने के लिए कोई मेरा सलाह नहीं है, ओनली अगर आपको अगर बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मेरा आइडिया के साथ साथ आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लीजिए, नहीं तो आपका कोई सलाहकार रहेंगे उनका सलाह लेकर कोई भी कदम उठाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पास होना सा है मैं बोलूँगा रखना चाहिए और आपको इधर से रिटर्न्स खूब जल्द बड़ी रिटर्न्स मिल सकता है, तो आपको करेंगे चर्चा ये शेयर के ऊपर। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।